हे गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में। डीसीएक्स सिस्टम का फाइनल डे हो चुका है, खत्म, मतलब सब्सक्रिप्शन हो चुका है एंड जो एक्सपेक्टेशन थी उसको भी बीट किया है और शानदार हमें यहां सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। इसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहां पे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से प्रेशर भी बनता हुआ दिख सकता है, वो भी बताऊंगा। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी का है, जस्ट मैंने पता किया है, वो बताऊंगा। और साथ में गाइस ये आईपीओ जिसका नाम है फ्यूजन माइक्रो, ये क्या फुस हो सकता है, इसका भी सब्सक्रिप्शन आज डे वन था, सब कुछ इस करेंगे डिटेल्स में। तो आपको करना है दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहली वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना। अगर जब चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी चीजें हम करते हैं एक साथ और आपका थोड़ा सा एफर्ट तो मिलना ही चाहिए। थोड़ा सा आप भी टाइम देके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस गाइस 2 को ओपन, आज के दिन ओपन हुआ, 4 को क्लोज होगा। 350 से 368 रुपए प्राइस बैंड है इसका और लॉट साइज जो है वो 40 का। इसका डिटेल रिव्यू चैनल पर डाला जा चुका है। अगर जो बात करूं यहां पर मैं इसके सब्सक्रिप्शन की, तो यहां देखोगे इसका सब्सक्रिप्शन डिटेल जो है आपके सामने 0.07 टाइम हुआ है। इवन यहां पे रिटेलर्स तक ने पैसा नहीं डाला है, क्यूआईबी तो बिल्कुल भी नहीं, बस यहां एनआईआईज ने डाला है, बस इन्होंने ही डाला है इस आईपीओ में पैसा और 0.07 टाइम सब्सक्राइब होता दिखा। तो पहला दिन था, ऐसा नहीं कि आईपीओ फुस हो गया, खत्म हो गया, नहीं, अभी टाइम है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो कि डीसीएक्स निकल गया सर, बचे हुए 3 आईपीओ में किसमें लगाना है, इसके लिए सामने देखो इस वीडियो मैंने कवर कर रखा है, थंबनेल आपको दिख रहा है कि किस आईपीओ में लगाना है और मैं किस आईपीओ में लगाने वाला हूं ये भी बता रखा है। देखो आपके सामने थंबनेल है, मैं किस आईपीओ में आगे और लगाने वाला हूं, तो जाके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये आईपीओ गाइस जो उसकी जीएमपी है वो वही 30 से 35 रुपए डिमांड है, जो ही कम होती हुई हमें दिख जाएगी सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। तो यहां पे ऐसा नहीं कि आईपीओ खत्म हो गया, अभी दूसरा और तीसरा दिन इसके पास पड़ा हुआ। कल बोले सर ये आईपीओ तो खत्म ही हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस चलिए फाइनली हम डीसीएक्स के बारे में बात करते हैं। डीसीएक्स सिस्टम की बात करें गाइस, तो इसका फाइनल डे था, जो सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखा वो धमाकेदार है। यहां पे 8 तारीख को इसकी अलॉटमेंट आएगी, है डेट 7 पर मैं एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। लिस्टिंग डेट 11 को है, 2 रुपए के फेस वैल्यू पे, आपको पता है 207 रुपए प्राइस बैंड है। 5 करोड़ का इशू का साइज था, जिसमें से 400 फ्रेश इशू है, 100 प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। यहां पे मार्केट का जो लॉट साइज आपके सामने है, रजिस्टर जो है वो लिंकेड टाइम है, रिटेलर्स के लिए 10% का कोटा रखा गया था, तो कितने में से कितनों को मिलना है ये भी इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाला है। सब्सक्रिप्शन की बात करूं गाइस, तो देखो स्टॉक मार्केट न्यूज यहां पे मैं सबके सब्सक्रिप्शन शेयर करता हूं, जीएमपी भी शेयर करता हूं और लेटेस्ट सारी न्यूज, चाहे देखो क्वार्टर की अर्निंग हो चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो, इस चैनल पर देने को मिल जाती है। और जो सब्सक्रिप्शन हुआ गाइस, क्यूआईबी ने 84.23, क्यूआईबी से एक्सपेक्टेशन थी 50-60 की, यहां पे 84 गुना भरा है अपने कोटे को। और गाइस यहां पे एनआईएच की बात करें तो 10 लाख के ऊपर वालों ने 45.44, 2 लाख से 10 लाख वालों ने यानी स्मॉल एचएनआईज ने यहां पे 41.05 किया है और 43.97 यानी कि 44 टाइम्स ओवरऑल इनका कोटा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जिनको 15% मिला था इस पूरे साइज का। रिटेलर्स ने यहां कमाल ही किया है 61.77 टाइम और ओवरऑल अगर जो आप देखो तो 70 गुना लगभग सब्सक्राइब हुआ है, 69.79। यहां पे अगर जो मेरे से पूछो कि सर कितने में से कितनों का मिलना है, मतलब एक एक लॉट सबको बटेगा, भाई देखो ऑब्वियस है अभी तो ओवर सब्सक्राइब इतना ज्यादा हो गया है रिटेलर्स कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा, तो यहां पे मान लो आप 50 से 55 जो एप सब्सक्रिप्शन होगा, 50 से 55 लोगों में से किसी एक को मिलना है, इतने लोगों में आपको एक बनना पड़ेगा। एपॉय सब्सक्रिप्शन क्लियर नहीं है, पर जो मेरी एनालिसिस है पीछे कई सालों के आईपीओ की वो मैंने इसमें लगाई है, तो ये निकल गया है 50 से 55 लोगों में से एक को मिला, क्योंकि कई लोगों ने 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट एक ही आईडी से लगा दी होगी तो उसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे गाइस फाइनली बहुत बंपर पैसा है, उम्मीद थी कि 40 से 50 गुना सब्सक्राइब होगी, ये मेरी उम्मीद थी, मार्केट की नहीं, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्होंने किया है, बढ़िया किया है। इसके पहले वीडियो में मैंने फाइनल डिसीजन वाली वीडियो जो आज डाली थी उसमें बोला भी था कि 16-17 देखने को मिल रहा था, मैंने बोला था कि आराम से हो जाएगा, 20-25 तो ऐसे देखते देखते और 30 तक जाएगा, बाकी आधे घंटे बाद ही वीडियो डालने के होता हुआ दिख गया। तो गाइस एनालिसिस जो हम करते हैं वो काफी पुख्ता करते हैं और काफी सही तरीके से करते हैं, टाइम देते हैं, एफर्ट डालते हैं। और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर जो मैं बताऊं तो आपको ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड निकलती हुई दिख रही है, अभी 85-86 रुपए तक की डिमांड निकलती हुई दिख रही थी, मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने कल रात को आपको बता दिया था और लोग आज बताते हुए देखे 83-85-86 का डिमांड निकल रही है, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स पर अलग डिमांड होती है, बट जहां पे जैसे 2-3 जगह बात करी उनमें से जो एक निकल गया वो डेट आपको बताता हूं। तो यहां पे जो डिमांड है वो 90 रुपए, अपने हाई को भी क्रॉस करेगी, 90 रुपए का हाई था जब स्टार्टिंग में आईपीओ ओपन हुआ था, 90 रुपए का भी पार करेगी। अभी जो डिमांड है वो 85 से 87-88 रुपए की है, लेकिन रूमर जो है वो 90 से 95 का है और 100 भी जा सकता है, लेकिन इस पे है एक लटकती हुई तलवार, वो क्या है, आज का मार्केट आपने देखा अगर जो आप ट्रेड करते हो, ठीक है, या फिर आप इंट्राडे लेते हो, एफएनओ किसी में भी ट्रेड करते हो, तो मार्केट आपने देखा आज कितना गंदा चला, मतलब
ट्रैप दे था आज, बस ट्रैप बनाता हुआ चला। बड़ी मुश्किल से लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और हमने भी कई कॉल दी। तो यहाँ पे देखो रीजन जो है क्रूशियल 24 आवर्स, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। फेड की पॉलिसी आज रात को आने वाली है 2 बजे, और जो न्यूज चला ना वहीं पे शेयर करूंगा डेटा, 2 बजे के बाद ही सोता हूं मैं। आरबीआई की पॉलिसी कल मॉर्निंग में आने वाली है, रेट्स हाइक हो सकते हैं ये दोनों की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इस वजह से आपको मार्केट अनस्टेबल होता हुआ दिख सकता है, मतलब कल मार्केट गिरता हुआ दिख सकता है, वैसे भी एक्सपायरी है। तो अगर जो मार्केट गिरा कल और परसों, तो यहां पे प्रेशर में जीएमपी आता दिखेगा। और अगर जो पॉजिटिव रही न्यूज कल भी और आज भी, मार्केट अच्छा करता दिखा, तो 100 रुपए भी पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पार कर जाएगा, यही रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे सारे रीजंस मेंशन है, और सिर्फ यहाँ पे रीजन ही दिए जाते, कॉल भी दी जाती है। देखो आज के दिन 41-300 की पी में करीब 25-30 पॉइंट बुक किया, 2 से 3 कॉल देता हुआ दिखा। यहाँ पे ये कॉल 290 से दे रहा था पर भाग गई थी, फिर बाद में मैंने इसी कॉल को दोबारा दिया। और सर गाइस देखो यहाँ पे आज का ये स्क्रीनशॉट है, लेकिन कल भी आपको बंपर कॉल देखने को मिला था। यहाँ देख लो आपको 119 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 165 से 210 यानी कि 45 पॉइंट निफ्टी में देखने को मिला था। और इसका जो गेन है वो ओवरऑल देखो यहाँ पे 1000 से 10400 सिर्फ 1 से 2 लॉट में कमा सकते। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जाके देख लो आपको ट्रेड लेना आ जाएगा। और इंट्राडे अगर लेना तो ऑब्वियस आता होगा, तो यहाँ पे इंट्राडे बीटीएससी स्विंग ट्रेड सब दिया जाता है। आज के दिन दिया गया था, कल नहीं दिया था इंट्राडे, तो आप इसको ज्वाइन कर लो, नंबर 1 पे लिंक मिल जाएगा और नंबर 2 पे न्यूज चैनल का, फटाफट ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बेनिफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे इसी वजह से, इस रीजन की वजह से जो है जीएमपी में प्रेशर आता देख सकता है। अभी जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 85 से 90 की ह्यूज डिमांड में है, और अच्छा डिमांड निकलता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, कुछ ऐसा है कि आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और मैंने किस आईपीओ में अप्लाई किया है वो जाके देख लेना, और आगे जो बचे हुए आईपीओ हैं, इवन एसएमई कैटेगरी का आईपीओ भी किस में अप्लाई करूंगा मैं या नहीं करूंगा मैं, रीजन क्या है सब बता रखा है डिटेल में, वीडियो जरूर जाके देख लेना। तो यहां पे गाइस ये आईपीओ हिट हो चुका है, कितना गेन मिलना है एक्सपेक्टेड वो मैंने फाइनल रिजल्ट वीडियो में बताया था, कि मतलब एक्सपेक्टेशन है कि इतने गेन देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आई होप सब कुछ आपको पसंद आया होगा, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज टेल दिस टू वेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।